अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा श्रद्धानंद मैदान में ग्रामीण उद्यम वेग सिद्धि परियोजना एवं उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा बिच्छू घास से रेशा धागा एवं कपड़ा तैयार करने हेतु रोजगार प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य पहाड़ के उत्पादों का वैज्ञानिक दोहन कर रोजगार पैदा करना है। विभिन्न महिला समूहों को बिच्छू घास से ऑर्गेनिक चाय तथा रेशे से कपड़ा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि उत्तराखंड से पलायन मुक्त हो, और पलायन मुक्त हो तो यहाँ पर यहाँ के जो उत्पाद हैं, यहाँ की जो कृषि उपज है, यहाँ की जो औषधियाँ हैं, इनको रोजगार से जोड़ने का। तो हमारे NRLM और रीप की मदद से हमने हमारे पूर्व IAS और प्रधानमंत्री जी के पूर्व सलाहकार आदरणीय भास्कर कुलवे जी से निवेदन किया था कि हमारे क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर खोला जाए, जिसे बिच्छू घास से हमारी ऑर्गेनिक चाय और उसके रेशे से कपड़े बनाने का कार्यक्रम और कुटीर उद्योग शुरू किया जाए, ऐसा उनके सामने प्रस्ताव रखा था। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय भास्कर कुलवे जी का, आदरणीय पुरुषोत्तम जी का, जो कि सचिव हैं उत्तराखंड सरकार में। आपने हमारे प्रस्ताव को गंभीरता से लिया और यहां पर ये कार्यक्रम शुरू किया है। बहुत जल्दी ये यहाँ की महिला समूह को, यहाँ की मातृशक्ति को प्रशिक्षण दिया जाएगा ऑर्गेनिक चाय बनाने का और कपड़े बनाने का। इसका प्रशिक्षण कितने दिन चलेगा? अभी पहले चरण में 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके तो डॉक्टर नैनवाल की ही एक सृजन की कृति है, जिसे उन्होंने यहाँ इस रूप में आज प्रस्तुत किया है कि बिच्छू घास, जिसको गांव में हमेशा या तो मास्टर जी की बेंत समझते थे या फिर गरीब लोगों की सब्जी समझते थे, उसे आज एक ऐसा रूप दिया है कि वो चाय के रूप में बड़े बड़े जगहों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में बिके, और उससे जो रेशा निकलता है बिच्छू घास से, वो रेशे का फाइबर उसका टेक्सटाइल या तो अंगवस्त्र या जैकेट या शॉल उसकी तरह से लोगों के पास सुसज्जित हो। ऐसा सोचना बहुत आसान है, उसको परिणति देना उतना ही कष्टसाध्य है। और डॉक्टर नैनवाल और उनकी टीम को मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ इस बात का कि आज 100 महिलाओं के समूह को यहाँ तक लेकर के आए हैं, जिनको 6 महीने में उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो टेक्सटाइल तक बिच्छू घास को लेकर के जाएंगे और बिच्छू घास की चाय को लोगों तक पहुँचाएँगे। मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुन्नी मेहता जी हैं, जिन्होंने बहुत पहले से ये काम सीख रखा है और उन्होंने मेरे से वादा किया है कि वो इस काम को इतना आगे बढ़ाएंगी, महिलाओं को इतना अच्छा साधन जुटाएंगी कि कहीं किसी को ये नहीं लगेगा कि ये वो बिच्छू घास है जिसे हम बिल्कुल हेय की दृष्टि से देखते थे, आज वही आजीविका का बड़ा साधन बनेगी। धन्यवाद बहुत बहुत।